हाँ जी गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आपका एक धमाकेदार वीडियो पे स्वागत है, और धमाकेदार इसलिए है कि आज है भगवान शिव का स्पेशल डे। आज 28 अगस्त, आज है सावन का जो 2 महीने से चल रहा पावन दिन, और सावन का है आज आखिरी सोमवार। सो चलिए चलते हैं आज इस दिन पे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। Few inches later. यह है मेन गेट, और यहाँ से अंदर के मंदिर। सो गाइस, जैसे देख सकते हैं इस वक्त हूँ मैं अपने पार्किंग में, गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे। सो चलते हैं फटाफट, बैग उठाते हैं और देखते हैं अंदर साइड क्या। तो ये से यहाँ का नज़ारा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है गाइस। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेला भी एक तरह से लगा हुआ है छोटा सा मनोरंजन के लिए, और भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, दुकान वगैरह बहुत ज़्यादा है, और दुकान लंबी दूर तक है। इधर साइड मेन गेट है और इधर साइड मंदिर का मुख्य गेट है। तो चलिए चलते हैं, अंदर से लेते हैं प्रसाद। तो गाइस प्रसाद ले चुके हैं, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ पे शूज उतारते हैं और फिर चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस ये है मेन मंदिर का गेट, और इनके सामने हिंदी महाराज जी बैठे हुए हैं, और ये है मुख्य मंदिर। सो आप लोग देख सकते हैं भीड़ भाड़ कितनी ज़्यादा है। सो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ, शिव के दर्शन के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपनी मिट्टी मन्नत मानते हुए चलिए चलते हैं अंदर मंदिर के दर्शन करते भगवान भोले के, और मुझे तो गंदे हो जाएंगे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है भोलेनाथ की, और यहाँ पे इस साइड तोड़ा जा रहा है नारियल, तो यहाँ पे अपने प्रसाद तोड़ते हैं। सो गाइस जैसे नारियल तोड़ लिए हैं, अब चलते हैं अंदर की तरफ और प्रसाद चढ़ाते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं अच्छे से। सो गाइस हमारी पूजा तो हो चुकी है अच्छे से, और भीड़ भाड़ तो है अब जैसे देखे हैं आप लोगों ने, और लेकिन दर्शन अच्छे से हो चुके हैं। और यह है पूरे मंदिर का बाहर का दृश्य, जो कि काठमांडू में स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर से ही लिया गया है। और जैसा कि इसमें चारों तरफ से आप देख सकते हैं गेट हैं, और भगवान बीच में बिराजे हुए हैं, और साथ में ऊपर भी है एक फ्लोर, उधर भी मंदिर है भगवान जी हैं। सो चलते हैं उधर भी और दिखाते हैं आपको। यह है अप स्टेयर, जहाँ पे सीढ़ी दोनों साइड हैं और दोनों साइड से ऊपर आ सकते हैं, और इधर साइड है मेन मंदिर जो कि सामने की तरफ इनका दरवाज़ा है। सो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं इधर के भी, यहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है थोड़ी सी। तो यहाँ पे भी है एक सेकेंड फ्लोर पे मंदिर, और आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए गाइस कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और जैसा कि दूर दूर तक देख सकते हैं आप लोग, भीड़ देख सकते हैं गाइस यहाँ से शुरू है और बहुत दूर तक वो पार्किंग दिखाई है, और वो जहाँ पे सामने देखिए वहाँ तक रोड चालू है मेन गेट का, वहाँ से यहाँ तक। सो आप लोग देख सकते हैं मंदिर के दाएँ हाथ का, दाएँ हाथ की साइड पड़ता है, जैसे आप मेन एंट्रेंस घुसेंगे दाएँ हाथ का हिस्सा जहाँ पे यज्ञ है हवन कुंड, और यहाँ पे है पानी पीने का। अभी चलते हैं नीचे की तरफ और फिर देखते हैं नीचे भी। तो इस मंदिर में आके काफ़ी ज़्यादा शांति मिली है, और काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ मंदिर के एकदम एकांत सी जगह पर, जो कि है बाएँ साइड का हिस्सा है, मंदिर के मेन गेट से घुसते ही बाएँ साइड का हिस्सा पड़ता है। तो यहाँ पर बैठा हूँ, काफ़ी हरियाली भी है और शांति भी है, और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं यहाँ पे। जैसा कि मंदिर ही है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है, आप लोग आइएगा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मंदिर तो प्रसिद्ध ही है भगवान भोले के नगरी के नाम से, पशुपतिनाथ मंदिर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शांति वाला इलाका है। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ थोड़ी देर के लिए,
और हालांकि मेरे को अभी जाना भी होगा, टाइम हो रहा है 12 ही बजने वाले हैं, सो मेरे को निकलना भी यहाँ से जल्दी ही। सो काफ़ी टाइम बाद आके मंदिर अच्छा भी लगा है और अब निकलने का टाइम भी हो रहा है, 10 मिनट बैठते हैं और फिर निकलते हैं। बस यहाँ पे प्रसाद वितरण भी हो रहा है, भंडारा जैसे बोलते हैं। यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है। बाय बाय। और यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, सो गाड़ी लेते हैं, निकलते हैं फिर अपने मंजिल की तरफ। ये रही अपनी धन्नो जो कि किनारे ही खड़ी हुई। सो गाइस ऐसा ही था आज का कुछ ब्लॉग। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, और कमेंट सेक्शन में जय महाकाल जरूर लिखेगा, और आप कहाँ से हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।